सो यू गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अवर चैनल अनवांटेड गेमर्स। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ हमारे फ्री फायर बैन के बारे में। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा क्या कि हमारा जो गेम है फ्री फायर, वो ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे बैन की न्यूज़ आ चुकी है। ठीक है, फ्री फायर के द्वारा अभी कोई न्यूज़ आई नहीं है, बट जब गवर्नमेंट के द्वारा से आ गई है तो यार फ्री फायर भी क्या ही कर सकती है, उसको तो अपना सर्वर क्लोज करना ही पड़ेगा जल्दी। फ्री फायर भी कुछ ना कुछ, वैसे फ्री फायर भी कुछ ना कुछ कर ही रही होगी, ठीक है इसके रिलेटेड। तो कहीं चलो अब मैं ये सब छोड़ते हैं, मैं बात करने वाला हूँ कि हमारी आईडी का क्या होने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा कि जब फ्री फायर बैन होगा तो भाई उसके साथ हमारी आईडी भी जाएगी ना, क्योंकि देखो जब फ्री फायर बैन ही होगा तो हमारी आईडी से तो खेल नहीं पाएंगे। जब आईडी से खेल नहीं पाएंगे, जब बैन होने वाला है, जब पूरा फ्री फायर ही बैन हो रहा है, पूरा फ्री फायर उसका सर्वर बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो भाई हमारी आईडी का क्या होगा? कहीं हमारी आईडी डूब तो नहीं जाएगी? हमारे इतने सालों की मेहनत, जो हमने कलेक्शन इकट्ठा किया, जो हमारे डायमंड होंगे, जब मान लो अगर कभी गेम वापस आता है तो हमने जो इतने सालों से कलेक्शन इकट्ठा किया, जो भी हमारे कलेक्शन थे, जो भी मान लो अगर डायमंड हमारा बचा हुआ, मेरी आईडी में डायमंड बचा हुआ और फ्री फायर बैन हो जाता है, फ्री फायर चलता नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब फ्री फायर दोबारा आएगा कुछ टाइम बाद, जैसे पबजी, आपको पता ही है कि पबजी बैन हो गया बट दोबारा आया ना, तो वैसे ही अगर फ्री फायर बैन हो जाएगा और दोबारा आएगा तो क्या हमको अपना सामान वापस मिलेगा? जो भी हमारा सामान है, जो भी हमारी कलेक्शन है, लाइक मेरे जितने भी मेरे डायमंड, जैसे मेरे तीन डायमंड है मान लो, अभी तो मेरे पास तीन ही डायमंड, ठीक है, एयरड्रॉप में परचेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट भाई तुमको पता है कि यहाँ पे वो हो नहीं रहा है, ठीक है, पर टॉपअप हो नहीं रहा है, सॉरी जो पेमेंट तो हो ही नहीं रही है, तो यही कारण है, ठीक है। तो एयर ड्रॉप तो परचेज भाई नाम के लिए आया गया, आई नो फ्री फायर मैक्स में मैं कर सकता हूँ, फ्री फायर मैक्स में डाउनलोड करूँ या छोड़ो, छोड़ो यार एयर ड्रॉप तो आते रहते जाते रहते हैं, बट अभी एयर ड्रॉप की टेंशन नहीं है मेरे को। मेरे को टेंशन ये है, ये देखो जो हमारी आई डी में सामान है, जो भी हमारा मतलब यहाँ पे कप ड्रेसेज हैं, गन स्किन्स हैं, हमारे इतने पुराने पुराने ड्रेसेज हैं, लास्ट तीन साल से मैं तुम्हारा भाई फ्री फायर खेल रहा है, तीन साल बहुत टाइम हो गया फ्री फायर खेलते हुए, ठीक है, मतलब बहुत टाइम से ही खेल रहा हूँ, तो यार मतलब क्या होगा? मतलब जो हमारा, जो भी हमारे कलेक्शंस मैंने इकट्ठा किए इतने सालों से, क्या वो सारे खत्म हो जाएंगे? जो भी हमारे बैजेज है, जो मेरी आईडी, ये वाली आईडी क्या अब खत्म हो जाएगी? जब भी नया फ्री फायर आएगा तो क्या हमें नई आईडी बनानी पड़ेगी? ये वाली आईडी मेरी परमानेंट मतलब बैन हो जाएगी क्या मेरी ये वाली आईडी? तो इसके बारे में तुम्हारा बताने वाला है, पर उससे पहले जिन जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सारे बंदे वीडियो को एक एक लाइक जरूर कर दो, या चैनल पर न्यू हो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करो, क्योंकि तुम फ्री फायर गेम्स से वीडियोस लाते रहते हैं। अभी तो यार फ्री फायर को मतलब क्या ही सीन चल रहा है यार, फ्री फायर यार एक तो समझ नहीं आ रहा, पता है फ्री फायर बैन से मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, गरीना कोई ऑफिशियल रिप्लाई ही नहीं है फ्री फायर बैन के ऊपर। जी हाँ गाइस, गरीना कोई ऑफिशियल रिप्लाई नहीं कर रही कि हम बैन हो चुके हैं, फिर गवर्नमेंट ने द्वारा बैन कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं है, बल्कि उनके गेम में इवेंट चले जा रहे हैं। आज नया इवेंट आ गया, फिर कल टॉपअप इवेंट आया था, भाई कुछ समझ ही नहीं आता है फ्री फायर कर भी रही है कुछ बैन के रिलेटेड या नहीं कर रही है। यार करती तो यार ट्विटर पर ट्रेंड ऐसा कुछ, मतलब कुछ तो अपने तरफ से करती है ना, पर भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी कर रहे हैं अभी यूट्यूबर्स ही कर रहे हैं, अभी फ्री फायर की तरफ से कोई रिप्लाई आ नहीं रहा है। कर रही होगी फ्री फायर अंदर कर रही होगी, अंदर ही अंदर गवर्नमेंट से बात कर रही होगी, ठीक है, शायद वो इतना बढ़ाना नहीं चाहती होगी बात को, इस कारण से इतना नहीं कर रही है, बट यार देखो न्यूज़ तो आई है। तो भाई छोड़ो, मेन टॉपिक से हम भटक रहे हैं, अब हम बात करने वाले हैं क्या हमारी आईडी का सामान रहेगा या नहीं रहेगा। तो गाइज मैं साफ शब्दों में कहूँ तो गाइज जो हमारी आईडी बैन हो जाएगी, जब दोबारा आईडी आएगी तो जो हमारे जितने भी सामान है ना, जितने भी सामान वो यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे मैं कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मतलब जितने भी मेरा कलेक्शन है, जैसे कि मेरा ये भी देखो, जो भी मैंने ड्रेसेस पहने हैं, जो भी मेरी गन स्किन्स है, अभी मेरी आईडी के अंदर जितने भी, ठीक है, जो भी मतलब ड्रेसेस है वॉलेट में, जो भी कलेक्शन है मेरे, वो सबका सब वापस आ जाएगा, सब वापस आ जाएगा। बट गाइज रही बात डायमंड की, अगर मान लो मेरी आईडी में डायमंड है, मेरी आईडी में कस्टम्स रूम है, ठीक है गाइज, तो गाइज उसका क्या होगा? और बाकी भाई देखो जब फ्री फायर बैन हो जाएगा तो उसके बाद जो इलाइट पासिस होंगे और जो भी मतलब कुछ भी कुछ सामान होगा तो वो कैसे हो पाएगा? तो गाइस मैं सबसे पहले बताता हूँ डायमंड के बारे में। तो गाइस जो आपकी आईडी में डायमंड रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब जब बैन होने के बाद दोबारा फ्री फायर आएगा तो गाइस आपकी आईडी में डायमंड रहेगा या नहीं रहेगा, तो गाइस मैं बता दूँ 90% चांस है कि आपकी आईडी में वो डायमंड रहेगा ही रहेगा, 90% के 99% चांस है कि वो आपकी आईडी में डायमंड रहेगा, बिकॉज फ्री फायर गेम हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, जो गलती हुई है वो फ्री फायर की तरफ से है, एंड ना ही हमने अपने डायमंड कहीं खर्च किए, तो हमारी आईडी में जो भी डायमंड है वो रहेगा ही रहेगा। एंड मान लो फ्री फायर कोई वापस आती है, कोई नए नाम से आती है, तो गाइस उस नए नाम में हम अपनी आईडी दोबारा से रिकनेक्ट कर सकते हैं, जैसे पबजी के सीन में ऐसा हुआ था, हम पबजी वाली आईडी बीजीआई में कनेक्ट कर सकते हैं, तो वैसे ही फ्री फायर में ऐसा होगा, अगर फ्री फायर का कोई ऑफिशियल दूसरा वर्जन आता है तो हम फ्री फायर की आईडी उसमें कनेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो भी सामान वो आ जाएगा। तो इसलिए आपको इसमें डरने की ज़रूरत तो नहीं है कि भाई हमारी आईडी बैन हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इसमें आईडी आपकी बैन नहीं होगी, बस फ्री फायर बैन हुआ है, आईडी आपकी वैसे की वैसे ही रहेगी, जब भी फ्री फायर दोबारा वापस आएगा तो आप उसी अपनी पुरानी आईडी को ही खेल पाओगे, वही आपके फ्रेंड्स होंगे, वही डायमंड्स होंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो गया, इन्फॉर्मेशिव है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, मिलता है अगली वीडियो, टाटा एंड बाय बाय।